नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं मणिराज पटेल और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मणिराज चैनल को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड टीवी, कोई स्मार्ट टीवी है, ठीक है, और आपके पास एक हार्ड डिस्क है, ये देखिए, जैसे ये हार्ड डिस्क हो गई, ऐसी हार्ड डिस्क है, और आपने इस हार्ड डिस्क को जब अपने टीवी, स्मार्ट टीवी पर लगाया, तो खुलता तो है, जैसे देखिए, जैसे मैं अपने हार्ड डिस्क को टीवी पे लगा रहा हूँ और उसमें कुछ वीडियोज़ हैं, जैसे ये देखिए, ये जो वीडियोज़ हैं ये सब वीडियोज़ डले हुए हैं .mkv फॉर्मेट में, लेकिन नाम तो सामने आ रहे हैं इस टीवी में, लेकिन जब आप उसको ओपन करेंगे तो ये खुलते नहीं है। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क जो है कभी कभी किसी किसी स्मार्ट टीवी में सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। और यहाँ देखिए, इसका इसका प्रूफ क्या, देखिए शेरलॉक लिखा हुआ है और 0 B लिखा है, मतलब 0 MB, मतलब 0 MB, जबकि फाइल बड़ी बड़ी है फिर भी 0 MB 0 MB लिखा हुआ है। तो इस परेशानी को कैसे दूर करें, आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपके स्मार्ट टीवी में इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ यहाँ पर डाउनलोड करके इसमें डालना पड़ेगा, या फिर अगर इंटरनेट नहीं है तो आप पहले अपने मोबाइल में या पेन ड्राइव में वो चीज़ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसके बाद आप उस चीज़ को अपने टीवी में इंस्टॉल करिए। तो चलिए देखते हैं क्या है वो चीज़। दोस्तों, इसके लिए हमें जाना होगा गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में अब आपको सर्च करना होगा, यहाँ पे लिखिएगा MLU, और देखिए ऊपर कुछ चीज़ें आ गई हैं, जैसे MLUSB माउंटर, ML माउंटर प्लग इन, NTFS, और ये तो आपको USB माउंटर, ये आपको डाउनलोड करना है। इसमें क्लिक करिए, इसको इंस्टॉल करिए। इससे ये कि ये जो है, ये आपका जो आपका हार्ड डिस्क है और जो NTFS फाइल, जो भी NTFS फॉर्मेट है उसको सपोर्ट कर देगा, तो हार्ड डिस्क आपकी जो है आपके स्मार्ट टीवी में चलने लगेगी। अब ये आपको पूरा करके दिखाता हूँ मैं। अब इंस्टॉल होने के बाद ओपन करेंगे इसको, ये ऐसा मैसेज आएगा तो इसको ओके कर देंगे। ये अलाउ करने को बोल रहा है, फोटो मीडिया सब तो अलाउ कर देंगे। फिर नोटिस अबाउट एक्सटेंशन, डिस्प्ले एक्सटेंशन इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए सबसे कॉर्नर में हाँ डन लिखा हुआ है, तो इसे डन कर देंगे। फिर अबाउट बैटरी ऑप्टिमाइजेशन लिखा है, तो नीचे आएंगे और यहाँ पे इसे डोंट शो डोंट टू नॉट आस्क अगेन टिक करके ओके कर देंगे। अब देखिए आपका जो इंटरनल है, टीवी का जो इंटरनल का जो स्पेस है वो ये दिखा रहा है, तो आपको अभी कॉर्नर में जाना है। यहाँ पे जो यहाँ जो मोबाइल बना हुआ है, ये मोबाइल बना हुआ है, आपको यहाँ जाना है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ देखिए MLFS माउंट लिखा हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है, इसे टिक कर दीजिए, और ऐसा मैसेज आ जाएगा टिक करने के बाद, तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट करके ओके कर दीजिए। अभी USB डिवाइस माउंट हो रहा है, अब देखिए जैसे माउंट हुआ वैसे ही USB डिवाइस ये यहाँ पे आने लगा। USB डिवाइस मतलब जो आप सीगेट लगाएंगे, पेन ड्राइव लगाएंगे, जो भी लगाएंगे वो यहाँ पे अब शो होगा। बस यहाँ क्लिक करेंगे, अब सारी फाइल्स देखिए सामने आ रही हैं। अब आपके पास जो भी वीडियो है आप उसको खोल के देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक जो शेरलॉक की फाइल दिखाता हूँ जो पहले नहीं चल रही थी। अब देखिए इसमें MB भी आने लगी है, इसमें 287.15 MB, 289.80 MB, सारी MBs भी अब शो करने लगी, मतलब मेरी हार्ड डिस्क अब सपोर्ट करने लगी है स्मार्ट टीवी में। क्लिक करता हूँ, ये देखिए चलने लगा। तो दोस्तों बस यही करना है और कुछ नहीं करना आपको,
ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए स्मार्ट टीवी में, और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे इंस्टॉल कर लीजिए, आपकी हार्ड डिस्क सपोर्ट करने लगेगी चाहे कोई सा भी फॉर्मेट हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं बैंक की और ऐसे ही टेक्नोलॉजी की लाता रहता हूँ। चलिए फिर से आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।